हम बात करते हैं एक और सक्सेसफुल पर्सन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ शिवांगी के बारे में, जिन्होंने हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। हेलो शिवांगी, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं एंड कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। शिवांगी, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये सफलता कैसे मिली। तो मुझे पहले अपनी फैमिली को समझाना पड़ा था कि कैसे मेरी दादी को बोलना पड़ा कि दादी आप मुझे जाने दो। फिर मुझे मेरे पापा को कन्विंस करना पड़ा, उन लोगों ने मुझ पर विश्वास किया और मैंने उन्हें अपना विश्वास दिलाया। स्पोर्ट्स में जब मैंने स्टार्टिंग की थी, मैं काफ़ी फैटी थी। सो सबसे पहले तो मैं रनिंग बहुत करती थी अपना वेट लूज करने के लिए। 12-12 किलोमीटर रनिंग करती थी, 1.5-1.5 घंटा भागती रहती थी मैं। लेकिन जब मैं एवरेस्ट के ऊपर थी, तब काफ़ी मुझे मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक अलग देश था, अलग तरीके के लोग थे, उनको समझना, और भी कितने देशों से लोग आए हुए थे, उनके साथ रहना, खाना खाना, किस टाइप का हमें खाना मिलता था। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे नॉन वेज खाना जब दिखता था मेरे आगे, उन सब चीज़ों को सहन करना। उसके बाद वहाँ पर आपको अकेले जो एक डिसीज़न लेना पड़ता है, जहाँ मैं पानी पीते टाइम में मम्मी से पूछती हूँ कि मम्मी क्या मैं पानी पी लूँ, वहाँ पर मैं एक एक चीज़ की मुझे अब ऊपर जाना है, मुझे यहाँ पर आगे कदम रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, ये सब कुछ जब मैं खुद लेती हूँ, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है मेरे लिए। शिवांगी, जब आप ये सब प्लानिंग कर रही थी कि आपको चढ़ाई करनी है, तो आपको उस समय फैमिली और स्कूल से क्या क्या सपोर्ट मिला? मेरी मम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। जब भी मेरे को कोई भी प्रॉब्लम आती है, मैं सबसे पहले जाके मम्मी को शेयर करती हूँ कि मम्मी मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। मम्मी पापा को कन्विंस करते हैं, तो पूरी फैमिली का सपोर्ट मेरे साथ रहता है। शिवांगी, माउंट एवरेस्ट पर जाने से पहले और उसके दौरान आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? खुम्बू आइसफॉल क्रॉस करते हैं, खुम्बू आइसफॉल एक मौत का घर कहलाया जाता है। सो मैं जब वहाँ पर जा रही थी, तो सब लोग के मुंह एकदम ऐसे बने हुए थे, मैं उनसे पूछ रही कि ऐसा क्या हो गया, उन्हें लग ही नहीं रहा था कि शायद मैं वापसी आऊँगी। तो मैं जब वहाँ जा रही थी, मैं सिर्फ एक ही प्रार्थना करके गई, सिर झुका के सगर माथा के आगे, हम एवरेस्ट को सगर माथा बोलते हैं नेपाली लैंग्वेज में। सो मैं उनके आगे सिर झुकाया, मैंने कहा आप मुझे कुछ भी नहीं होने देते अगर मेरी नीयत साफ है तो। शिवांगी, आप यंग इंडिया के थ्रू यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं हरियाणा जैसे स्टेट से हूँ, जहाँ पर लड़कियों को इतना आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, वो जहाँ सोचती हैं वहीं उनकी सोच को ही खत्म कर दिया जाता है, आगे बढ़ना तो बहुत दूर की बात है। बेटियों से पहले उनके पेरेंट्स को मैसेज दूंगी कि अगर कोई भी बच्चा ये नहीं चाहेगा कि वो लाइफ में पीछे रह जाए, वो हर बच्चा अपनी लाइफ में किसी ना किसी फील्ड में आगे बढ़ना ही चाहता है, बस उन्हें एक सपोर्ट की जरूरत होती है और वो सपोर्ट पेरेंट्स का होता है। अगर पेरेंट्स उनके साथ है, तो वो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। थैंक यू शिवांगी।